तुझे इश्क हो खुदा करे कोई तुझको उससे जुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तेरे होंठ हंसना भूल जाए, तेरी आँख पूर्णम रहा करे, तू उसकी नौशेरवा गजनबी बाबा और अम्मा साईं का लाडला बेटा, जवार भाई की जान, जिसने बचपन से वही किया जो करना चाहता था। हर जिद पूरी की, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे मेरी अपनी पसंद से दस्तबरदार होना पड़ा। वो जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था, सिर्फ मेरे अपनों की खुशी के लिए। मेरा मानना है जिंदगी इंसान को अक्सर उस मकाम पर ला खड़ा करती है जहां आगे कुआं और पीछे खाई। लेकिन रिश्तों की आजमाइश हमें ऐसे गहरे दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते। हम जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी हमें गुजार रही होती है, और ऐसी जिंदगी से चाहकर भी फरार मुमकिन नहीं। तेरे तो सोनी नी अज कोई भी बचदा नहीं, कोई भी बचदा नहीं, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नहीं, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नहीं, अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नहीं, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नहीं। क्या कर रही हो? अरे घर की लड़की की जीते बात। अखां चे सुरमा हाय सानू भूल के टुरना हाय। ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? अब्बा पर तेरे कोलो शाय। मार्टी बंद करो। हां बंद करो ऐसे फौरन। अखां चे सुरमा हाय सानू भूल के। अस्सलाम वालेकुम। ये गाने की आवाज कहां से आ रही? नहीं तो ये क्या शुभारक है? दिखा दिखा। या अल्लाह, ये खबासत का डब्बा मेरे घर में कैसे कैसे आया इस घर में? कबाड़िया से लिया था।
पैसे कहाँ से है? वो रिसाले बेच के। रिसाले? रिसाले बेचे थे? यानी के वो हाशी और यानी के अकाश रिसाले भी आते हैं घर में? अरे 10 चमाट मार के इसका मुंह लाल करके इसको मना क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था, बहुत डांटा भी, बहुत डांटा। अरे कसम खुदा का, अकरम के बेटे के घर गाने बजाने हो रहे हैं, रिसाले आ रहे हैं वाशी के, और मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। नहीं मेरा मतलब गलती हो गई, सॉरी। अरे गलती हो गई। ये सब तेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से हो रहा है? हाँ, बिगाड़ रही है ये तालीम के इदारे तुम्हें। खत्म, आज से इनका कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना खत्म। नहीं नहीं, आप माफ कर दीजिए, आज के बाद बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा सॉरी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, मेरी पढ़ाई मत बंद करवाए। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा आइंदा ऐसे। अगर आइंदा ऐसे हुआ तो मैं एक एक करके तुम सबको गाड़ दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। क्यों करती हो तुम ऐसा? रास्ते में मुझे इस तरह रोकने का अंजाम जानते हो दिलावर? पापा बात करनी है तुमसे। इस तरह रोड पे? रोड हो या पहाड़, बात तो बाबा इसी वक्त करनी। किससे और कब बात करनी होती है ये नौशेरमा गजनबी खुद तय करता है। एक मिनट है तुम्हारे पास, एक मिनट के बाद मेरे गार्ड्स ट्रिगर दबा देंगे, फिर मुझे इल्जाम मत देना। सोलाने, साई ने तुमसे क्या कहा? गोलियां उधर से चलेंगी तो इधर से भी तो चलेंगी, खून खराब होगा और वो मैं चाहता नहीं। तो फिर अभी जाता हूं और जाने भी देता हूं। अगली मुलाकात मेरे डेरे पे होगी, खुद आओगे तुम। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ बुलाना तुम्हें किस कदर महंगा पड़ सकता है दिलावर, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। चल बाबा। आपसे कहा था सही कि आप अकेले मत जाएं, मुझे साथ लेकर से, लेकिन आपने तो मना कर दिया मुझे। तुम कौन सा रुक गए जाफर, मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच तो गए हो। क्या करता सही, खुदा ना खास्ता आज अगर आपको कुछ हो जाता
तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाती। दिमाग खराब कर रखा है अपनी बच्चियों का, बेटा तो पैदा कर नहीं सकी, ऐसे तरबियत होती है? अरे नाच रही है तेरी बेटियां, अकरम शाह आपकी पोती घर में लीडू लगा रखा है, नाच रही है, शर्म तो आई नहीं? दिल चाहता गला दबा दूं सबका, चल दबा हूं यहां से। क्या है अब? अप्पा गए? गए। अच्छा सुनो, अम्मा क्या कह रही हैं? रो रही हैं अब्बा की बातें सुनकर। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। दुआ, तुम इस घर में कोई नई नहीं हो, जब अब्बा के मिजाज से वाकिफ हो तो ना दिया करो ना ऐसा मौका। उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि अम्मा को अगला पिछला सारा हिसाब याद दिला दें। ऐसी हिमाकतें करके अम्मा की जान क्यों मुश्किल में डालती हो तुम? किया क्या है, रेडियो तो लिया था, और उस एक रेडियो की वजह से अब्बा ने अम्मा को बेटा ना पैदा करने के ताने के साथ तुम्हें यूनिवर्सिटी से उठवाने का भी कह दिया, और अगर यूनिवर्सिटी से उठवा लिया तो जो ये दो पल तुम्हें इस कफस से आजादी के मिलते हैं ना, वो भी छिन जाएंगे। और अगर एक भी कोई उल्टी सीधी हरकत और की ना, तो अब्बा अपने इस फैसले पे मोहर लगा देंगे। अच्छा ना, डरा क्यों रही हो? एहतियात करूंगी। सुनो, अम्मा के पास साथ चलो ना, थोड़ी सी सिफारिश कर दो प्लीज। आओ प्यारी। संभाले अम्मा खुद को, बस कर दें। अम्मा बस कर देना अम्मा। क्यों अलगान कर रहे हैं खुद को? आपको पता तो है अब्बा के मिजाज का। फिजा, इसे कहो कि मुझे इसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई मुझसे बात? ऐसा क्या किया मैंने? जरा सा रेडियो ही तो बजाया है। जिस घर में सांस लेने पर 10 तफ़ावज़ात लग जाते हैं, और इतना बड़ा गुनाह करके तुम कह रही हो कि ऐसा किया है क्या? शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। चले कर लेती हूँ शुक्र भी। आपको जरूरत ही क्या थी रेडियो खरीद के लेके आने की? तुम ये क्यों नहीं कहती कि खुल के सांस लेने की ही क्या जरूरत है? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि भाग जाओ यहाँ से। दुआ, क्या सोच समझ के बोला करो ना, जो कुछ मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो तुम भी। हाँ तो जितना बोलने की कैद होगी ना, जबान उतनी ही कड़वी होगी। हमने ऐसा मुंह बनाया हुआ है जैसे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ हो, जबकि खाना भी मैंने नहीं खाया और डांट भी मुझे पड़ी है और रेडियो भी मेरा टूटा है। लेकिन नहीं, मजाल है तो किसी को मेरा ख्याल हो, किसी ने मुझसे एक बार झूठे मुंह ही पूछ लिया हो कि बेटा भूख लगी होगी, खाना खाओगे? ए, खाने में क्या बना है? और भूख लगी है। गोभी आलू बनाया है अम्मा ने। क्या बनाया है? गोभी आलू। गोभी आलू, टिंडे आलू, बैगन आलू, आलू क्या मुफ्त में मिलते हैं? नहीं खाने मैंने आलू,
नहीं चाहिए मुझे, मुझे 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 नहीं खानी है सब्जियाँ। कोई कोई मुर्गी, कोई गोश्त, कोई मुर्मू सलम, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करें। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी बनाए ना सब्र शुक्र करके खा लो। अब्बा ने तुम्हारे ख्यालात सुन लिए ना, तुम्हारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सुन ले, लेकिन मैंने नहीं खाने ये आलू गोभी रोज रोज। मैंने छुट्टी क्यों कर ली, आराम से कैंटीन में बैठ के कुछ खा लेती ना मैं। पता नहीं कहाँ पैदा हो गई मैं। क्या करूं मैं इस लड़की का, जान बनती जा रही है मेरा। भाई भाई भाई, क्या मुसीबत है भाई? सुबह सुबह कान के पास आके चीख रही हो। सुबह ही सुबह, 12 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। हाँ तो कौन सी कोई नई बात है, रोज ही होते हैं 12। अम्मी ने कहा है जोहर से पहले आप उठ जाएं और दुकान चले जाएं, अबू आपका इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो ये दुकान की मुसीबत जो है ना। क्या फिल्मी मैगजीन आपके कमरे में, अबू ने देख लिया तो अबू को बताएगा कौन? और तुम्हें किससे कहा कि मेरे कमरे में आके तफ्तीश करो? आपको क्या जरूरत है ये रखने के कमरे में? क्या बताओ, क्या हजारों फॉलोअर्स हैं भाई, इनके फॉलोअर्स छोड़े और दुकान पे ध्यान दे भाई। यार एक मैं इस दुकान से बढ़ाता हूँ, वो पता नहीं अब्बा को क्या मुसीबत है। इससे तो बेहतर था कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई ना खत्म करता। अब्बू का हाथ तो वैसे भी आपको बटाना चाहिए ना। अच्छा दादा बात है, मैं सुनाओ, मुझे जाके नाश्ता बनाओ। बनाती हूँ, लेकिन आप जल्दी से उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो जाएं। सुबह हो गई नवाब साहब के यहाँ, उठ गए आप? माइक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप मुझे देखते साथ क्यों ताने देती हैं। पहले ही मेरा मूड खराब है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह सुबह उठा देते हैं कि भाई जाके दुकान पे बैठो। तो रात को जल्दी सोया करो ना, सारी रात फोन पे लगे रहते हो तो सुबह आंख कैसे खुलेगी तुम्हारी? सही बात है, फोन में लगा रहता हूँ, मेरी कौन सी कोई मंगेतर है जिससे बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ? तो दोस्त यार है, उनसे बस लगा होता हूँ फोन पे। इशारा समझ रही अम्मी, मेरी कौन सी मंगेतर है जो मैं फोन पे लगूं? इसका मतलब अब एक अदद मंगेतर हो जानी चाहिए जिसके साथ फोन पे लगा जाए। चलो दादा आग मत लगाओ, समझी तुम? दिल में लड्डू फूटते हैं भाई के, लेकिन अकड़ नहीं टूटती। नाश्ते का कहा था, जाओ लेके आओ। ओ हाँ, वो तो मैं चूल्हे पे रख के भूल गई अम्मी, ये मैं वहां रख रही हूँ। हाँ भाई, अब लड़की देखूंगी मैं तुम्हारे लिए, ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे दिया है ना, अब रिजल्ट आ जाए और नौकरी मिल जाए तुम्हें, फिर शादी करूंगी मैं तुम्हारी। शादी के लिए नौकरी की क्या पक लगाई है आप लोगों? फिक्र ना करो, कमाऊ बीवी ढूंढूंगी तुम्हारे लिए जो नौकरी करती है। अच्छा, यानी कि अब मैं बीवी की कमाई खाऊंगा? वो जमाने चले गए जब बीवियां घर में निवाले तोड़ती थी और शौहर काम करते थे, अब तो वो जमाना है जब दोनों मिलके काम करते हैं तो जिंदगी चलती है। नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। नाश्ता लगाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चल रहा है? और ये सेब कितने के दिए? अब कोयटा का सेब है, कोयटा का। अरे रसभरे भी बहुत है। हाँ तभी तो लाल और ताजा लग रहे हैं। आगे तो देखो। कितने के दिए? तुम्हारे लिए 250 रुपए लगा दूंगा। कितने किलो कर दूंगा समिया? कितने फिलहाल रहने दे। हैं?
हाँ भाई। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस बैठे में वेले, कुछ नहीं करने को। हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। ये बता भाई, कॉलेज से फारिग होने के बाद कुछ करना है या इसी तरह फारिग बैठना है? करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ भाई, लेकिन उसके लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए, और वो मेरे पास है। अबे यार, ये हम नौजवानों के साथ ना यही मसला है। आइडियाज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पैसे की तंगी है। और अगर अपना ये अजम घर वालों को बता देना कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहते हैं जाओ जाकर किसी चपरासी की जॉब करो। मतलब मुझे देखो, मुझे दुकान पे बिठा दिया पढ़ाई के बाद, अब छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ी बना मैं। तू इतना हैंडसम है, वो क्या कहते हैं, तुझे तो एड एजेंसी का मालिक बनना चाहिए। हाँ बस ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत कहाँ सोई हुई है। भाई कितनी देर से बैठा हुआ हूँ, तूने एक कप चाय का नहीं पूछा मुझे यार। सॉरी 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 भाई, दो चाय लेके आ यार। और हाँ बात सुन, कल चलना है। कहाँ चलना है? कल मैं आऊंगा तो बताऊंगा। चलो भाई ये शुरू करो ना। दुआ कहाँ है? हैं? दुआ को बुलाओ, चलो। पढ़ रही वो ऊपर छत पर बैठी। अरे उसको कहो मिर्जा साहब ने क्या कमाल खाना भेजा है न्याज का। कभी कभी तो एक कंजूस आदमी भेजता है खाना। हैं? कह रहे थे बहुत ही अच्छा है, और मैंने खाया है मिर्जा साहब का खाना, बहुत मजेदार। जब दुआ को बुलाओ के लेके आओ, चलो। साहब उसे पसंद नहीं ना ये दाल हलीम सब्जी, नहीं खाती। आप जब जाएंगे बाहर खाना खाकर तो थोड़ा सा गोश्त ला दीजिएगा, मैं उसके लिए बना दूंगी। अच्छा, मुर्गी गोश्त, इसके बगैर खाना पूरा नहीं हो रहा उसका है? नहीं खाना तो ना खाए। और फहमीदा बेगम, ये तुम ये बच्चों को कैसे पाल रही हो? इनको किफायत शारी सिखाओ, अपने अपने घर जाना है इन्होंने। अरे सब हड़प कर जाएंगे, और हमारे घर में तो यही मिलेगा। अरे खाओ ना, लो खाना, बैठो कब। और जिसे नहीं खाना वो ना खाए, भूखा मरता है मरे, भूखा मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। हम सब भाई आपकी बात मानते हैं, को समझाएं, इस ताल्लुक को खत्म करें, बीच में छुड़ाएं सोनिया से। क्या चाहती हो तुम? मरवा दूं उसे? मरवा दूं उसे? अम्मा अगर आपने हमजा को कुछ भी किया ना, तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रही। तेरे बिना क्या जीऊं, क्या है दिशा मेरा। मेरी उम्र भी हमजा को लग जा, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां हमजा को मिल जा। सोनिया मत रो, मुझे कुछ नहीं। अभी भी उसी का नाम ले रहे जिसकी वजह से ये हालत हुई है। मत ले जाओ, मत ले जाओ, ये मेरा है, मत ले जाओ मेरा खाना, मत ले जाओ, ये मेरा खाना है, मेरा खाना, ये मेरा है, ये मेरा खाना। दुआ, मेरा खाना कहाँ है? मेरा इतना सारा खाना था, मैं तो इतने बड़े दिल में थी यार। फिर तो जरूर कोई ख्वाब ही देख रही होंगी तुम्हें ना। हाँ भी होगा। भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दूं? कुछ तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे डायनामाइट प्रॉन्स और मंचूरियन रखा है। पता
पता है मैं भूखी मर जाऊं ना तो तुम लोग मेरे सोयम पे किसी को सूखे पापे तक मत खिलान। हटाओ इसे, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। खाना नहीं खाओगी तो भूखी रहोगी, दिन भर भी कुछ नहीं खाया तुमने। ये सब खाने से बेहतर है कि मैं ना खाऊं, भूखी रहूं। इनकी ना स्मेल सूंघ के मुझे, मेरा दिल ऐसे उलटने लगता है। तो आप, रिस्क है ये? जानती हूँ कि रिस्क है, लेकिन यही सब्जी दाल जो मैं कह रही हूँ वो रिस्क नहीं है। अम्मा आप समझती क्यों नहीं है? कई महीने घर बैठने के बाद तुम्हारे अब्बा कपड़े की दुकान पे लगे हैं, फिजा की तनख्वाह और उनके पैसे मिलाकर तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस जाती है। इस घर का किराया, बिजली गैस के बिल मुश्किल से पूरे होते हैं। बेटे होते तो और बात थी, अब क्या दोनों लड़कियों को भी रोटी कमाने लगा दें? लगा दें, कम से कम कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। फजूल की बातें मत करो और खाना खा लो। खाना नहीं खाना मतलब नहीं खाना। नहीं खाओगी तो भूखी मरोगी। तो मर जाने दें, कम से कम इसी बहाने खुदा तरसी में आप लोगों को 3 दिन अच्छा खाना तो मिलेगा। नसीब अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी किया करो। बात अच्छी करने से कौन से नसीब अच्छे हो जाएंगे? पता नहीं कब तक चलेगा ये सब कुछ। बस अम्मी क्या हो गया? अम्मी इसके चक्कर में तरस नहीं आता तुम्हें? अम्मी पर क्यों इतना तंग करती हूँ इन्हें? आता है, खुद पर तरस आता है मुझे। पता नहीं कहाँ पैदा हो गई मैं और क्यों पैदा हो गई। फजूल बातें बंद करो तुम। अम्मी अम्मी बस कर दे। क्या हो गया अम्मी? इसकी बातों पे आप इतना रो रही है तो करती है ऐसे? अम्मा एक बात बताएं, आप तो माँ है ना, जब आप जानती थी कि आपका शौहर बच्चों को कमा कर खिलाने की अहलियत नहीं रखता तो फिर आपने 3 बेटियां क्यों पैदा कर ली? बस करो, अब एक भी बात मुंह से निकालना अच्छा नहीं होगा दुआ, समझी? इसे ना आप छोड़े, आप चले यहाँ से, ठीक है? इसको जब भूख लगेगी ना तो ये खुद ही खा लेगी। भूख अभी इस वक्त चढ़ गई है इसके सर पे और कुछ नहीं है, छोड़ दे इसे इसके हाल पे। 3rd दिन ना इंसान को मुर्दार भी हलाल लगने लगता है। आया अम्मी चल छोड़ दे। हाँ छोड़ दो मुझे सब, मुझे कोई फर्क नहीं। चलो यहाँ से। वैसे भी तो छोड़ा हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरे बारे में? नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खा। कैसे कैसे कलर दिखा रहे हो, कोई अच्छे कलर दिखाओ। अबे गुलाबी दिखाना है इनको, गुलाबी गुलाबी कपड़ा दिखा, क्या खिलेगा इनके चेहरे में। ये देख लो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाबी दिखा। मैंने कहा असलम भाई आपको आपकी तनख्वाह दे दूं। हाँ जी। ये लो भैया, गिन लो पूरे। आजम भाई थोड़ी सी तनख्वाह ज्यादा कर देते। अरे नहीं भाई, ये गल्ला तो मैं भी संभाल सकता हूँ। अब देखो ना, आपने कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, आपके अब्बा और मेरे अब्बा उन दोनों में दोस्ताना था तो इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। अरे देख लो, बेटियों की स्कूल की यूनिवर्सिटी की फीसें हैं, बहुत बढ़ गई और फिर महंगाई तो देखो आजम भाई। भाई देखो असलम साहब, आपकी बात बजा है लेकिन एक काम हो सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसको एक लोडर की जरूरत है। काम कम जरूर है लेकिन है मेहनत का। अगर आप बोलें तो मैं उससे बात करूं। नहीं, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं, इस बुढ़ापे में क्या मेहनत करता फिरूंगा, नहीं होगी। खैर जैसे आपकी मर्जी, लेकिन देखिए कल जरा जल्दी आ जाइएगा। मुझे लड़का बता रहा था कि आप पिछले 1 हफ्ते से देर से आ रहे हो।
अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी करवट ठीक कर रहा था भाई। असलम साहब, दुकान को टाइम पूरा दिया करो, कम से कम कारोबार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बस मैं इधर ही बैठा था, 24 घंटे का हो तो बैठ जाओ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी भाई। दिखाओ क्या कर सकते हो भाई, आज मुकाबला हो जाए। वेरी नाइस। ये आज का तो तुम ही जी जाओगे। बस ये आखिरी निशाना लगने दें। भाई सही कह रहे थे। भाई भाई ये क्या हुआ भाई? गाड़ी निकालो भाई। भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ भाई? गाड़ी निकालो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा भाई। भाई काश भाई उस दिन वो गोली आपको लगने के बजाय मुझे लग जाती। आंखों के लिए तो शायरों ने गजलें कही हैं।
लाहौल वाला कुंवर, इतनी बेशर्म लड़की है, पूरी बस मर्दों से भरी पड़ी है और ये लड़की। बस जनाब क्या कहें, आजकल तो जमाना ही बदल गया। ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं, कुर्बे कयामत की। बेशक ऐसी लड़कियों की वजह से ही तो हमें अपनी बच्चियों पे नजर रखनी पड़ती है। ठीक कह रही हूँ, पता नहीं इसके माँ बाप को मालूम भी होगा कि इनकी बेटी बाहर क्या गुल सजा रही है। बाजी किराया पीछे तेरे मामले चाचे बैठे ना, इनसे ले लो। रहने दे भाई, रोज की सवारी है। रुको, ये लो। अरे भाई देख लो, मॉम की गुड़िया नहीं है, बोलती भी है। कोर्ट में कल पेशी है, वकील का फोन आया था, कह रहा था कि मुखालिफ पार्टी है वो माफीनामे पर दस्तखत कर देगी अगर आप अपना केस वापस ले लें तो। जज के सामने पेश होने से पहले वकील एक बार आपसे मिलना चाहता। दूसरा वकील देख लो, आज के बाद मेरे किसी केस में ये वकील नजर ना आए। कोई खास वजह? जो वकील मेरी मुखालिफ पार्टी को फेवर देकर मेरी सोच बदलना चाहता है, मैं उसे ही बदल दूंगा। अच्छा सिंह, आपको हवेली भी जाना था, काफी अरसा हो गया आप हवेली नहीं गए। जब मुझे जाना होगा तो मैं बताऊंगा। सही, हवेली से फोन आ रहे थे, क्या कहूं उन्हें? साईं साईं, वो दीन मोहम्मद आपसे मिलने आया। साईं साईं सर साहब। अरे क्या कर रहे हो, खड़े हो? हमारी थी को बचा ले साईं। कौन लेकर गया? चिल्लावन ले गया। जाफर तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो।